मुल्तान और बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज बरकरार। किसी जगह पर हद निगाह सिफर तो कहीं इंतहाई कम। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना। मोटरवे M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। निगरा हुकूमत का एक और तालीम दोस्त इकदाम, अब बदलेगी स्कूलों की हालत इजार। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूलों की वेलफेयर का बेड़ा उठा लिया। पंजाब के स्कूलों के लिए 3 अरब से ज्यादा के फंड जारी कर दिए। रहीम खान के स्कूलों को 18 करोड़, मुल्तान में 10 करोड़ समेत सरगोधा और बिहारी के स्कूलों को करोड़ों रुपए की फंड जारी किए। महकमा खजाना की तरफ से नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी। दो तरक्याती मंसूबों के लिए बेहतरीन साल। निगरान हुकूमत ने मौसम स्वीट से जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की नैया को पार लगाया। रहीम खान में शेख जायद अस्पताल में नया कार्डियक वार्ड बना दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में सब्जी मंडी, थर्मल, बहारी कॉलोनी की सड़कें और थाना सज्ज का तमीराती काम तकमील को पहुंचा। चारों तहसीलों में राबता सड़कों की तमीर भी मुकम्मल होने के करीब। डीजी खान में चौक चौरहट्टा सड़क और शोरिया से समीना सादात सड़क का काम तकमील को पहुंच चुका। तहसील कॉम्प्लेक्स की इमारत और डीजी खान की गलियों की टपटाल का काम भी मुकम्मल। मानका केनाल पुल, रेलवे फाटक सड़क और गाजी वुमेन यूनिवर्सिटी के मंसूबों पर काम जारी। महकमा मौसमियात का जिद्दत की तरफ एक और कदम। निगरान हुकूमत ने जनूबी पंजाब के पहले QPM रिटार का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान में QPM रेडार 6 अरब की लागत से 3 साल में फाल होगा। QPM रेडार जापान के तावन से मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। दुनिया भर में नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया। महकमा प्राइमरी सेहत ने मरासला जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024 मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर उम्मीदवार आज तलब होंगे। अब्दुल कादिर गिलानी, जावेद हाशमी, अहमद हुसैन डेहर समेत 200 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी हो गयी। सरगोधा में 49 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों की भी स्क्रूटनी मुकम्मल। आम इंतखाबात 2024 रहीम खान के कौमी और सूबाई हलकों से 367 उम्मीदवारान आमने सामने। मियांवाली के 6 हलकों में 110 उम्मीदवार मदे मुकाबल। मुजफ्फरगढ़ से N176 पर पीपल्स पार्टी लीगी उम्मीदवारों समेत दीगर मुकाबले के लिए तैयार। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। बावलपुर, हासिलपुर और दीगर हलकों में भी स्क्रूटनी का अमल जारी रहा। पासपोर्ट के अजरा में तखीर का मसला हल न हो सका। 15 दिन के बजाय नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी में महीनों की तखीर। शहरी पासपोर्ट न मिलने की वजह से परेशानी का शिकार। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी पंजाब भर में जहां बेशतर तरक्याती मंसूबे तकमील को पहुंचे, वहां कुछ मंसूबे तखीर का शिकार। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड और नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुकम्मल न हो सका। नवापुर रोड का काम भी अधूरा। बावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्टर ट्रेड मंसूबे पर 3 साल बाद भी काम शुरू ना हो सका। मियांवाली में भी बस टर्मिनल समेत कई मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नूरपुर से मुबारकपुर तक मरकजी सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। सड़क टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना। उधर रुझान में तालाब से टूटने वाली राबता सड़कें तहाल ना बन सकी। इलाका मकीनों ने चंदा इकट्ठा करके अपनी मदद आप के तहत सड़क तामीर करा दी।
सादिकाबाद में इंतजामी गफलत के बायस ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरों का आला हुकाम से सिग्नल्स पाल करके ट्रैफिक मसाइल हल करने का मुतालबा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की नाहली, यहां का फ्लड खाने वाले में मुसाफिर वैन और बस मालकान इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने लगे। वैन और बसों में ओवरलोडिंग और LPG सिलेंडरों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल जारी। मुसाफिरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वक्त की सिविल सेक्रेटरेट जनूबी पंजाब आमद, एडिशनल सेक्रेटरी साकिब जफर से वक्त की मुलाकात। जनूबी पंजाब के मसाइल और सेक्रेटरेट के कयाम की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। एडिशनल सेक्रेटरी के वसीब में जारी मेगा मंसूबों पर ब्रीफिंग। वक्त के अराकीन को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। प्लास्टिक के माहौल और सेहत पर मनफी असरात, मुल्तान में महकमा तहफ़ माहौलियात की जानिब से प्लास्टिक की रोकथाम बारे आगाही सेमिनार। शर्का को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के माहौल और सेहत पर मुचरे असरात के बारे बताया गया। बिहारी की खवातीन के लिए जिला इंतजामिया का एक और अहम कदम, चांदनी पार्क में कई सालों से बंद लेडीज जिम क्लब बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने क्लब मेंबरान के हमरा लेडीज जिम क्लब का इफ्तिताह कर दिया। सैर सयाहत के फरोग कमीशन, पाकिस्तान के तारीखी मकामात दुनिया भर को दिखाने वाला सोलवराइज सादिकाबाद पहुंच गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। वसीम अहमद ने कहा, महकमा सारे कदीमा की थोड़ी सी तवज्जो तारीखी मकामात को बचा सकती है। और PHA मुल्तान के जरिए तमाम गुल दाऊदी की नुमाइश तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। नुमाइश 1 जनवरी को इब्ने कासिम पार्क किला पर होगी। दर्शनों इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। तफरी के लिए फूड गाला झूलों का भी एहतमाम होगा।